हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड ये आपका पार्ट 5 है. ओके, इस पार्ट पर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन के टॉपिक हैं और साथ ही साथ जो आपके रूल बनते हैं इम्पोर्टेंट 2 to 3 rules, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड आप लोगों को एक बात बता दो कि ये लास्ट पार्ट है ओके प्रपोजिशन के रूल्स का. इसके बाद जो 4 to 5 parts आएंगे उसमें हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. So let's get started with the first topic, that is idioms with prepositions. Okay, idioms किसके साथ? Preposition के साथ. Prepositions with nouns, noun के साथ preposition, adjective के साथ preposition and verbs के साथ preposition. First point, noun plus preposition. Approval of, awareness of, belief के साथ in आएगा, कंसर्न के साथ फॉर, कंसर्न फॉर, कंफ्यूजन अबाउट, ओके, डिजायर फॉर, इच्छा होना किसी चीज के लिए, फाउंडनेस फॉर, ग्रास्प ऑफ, हेटेड और नफरत होना, होप फॉर, ओके, इंटरेस्ट इन, रुचि होना किसी में, लव ऑफ, नीड फॉर, जरूरत होना किसी चीज के लिए, पार्टिसिपेशन, भाग लेना किस चीज में, रीजन फॉर, कारण बताना किस चीज के लिए, रेस्पेक्ट फॉर, सक्सेस इन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, किस चीज की समझ होना. ओके, सो ये कुछ आपके नाउन है. अप्रूवल, अवेयरनेस, बिलीव, कंसर्न, कंफ्यूजन, डिजायर, फाउंडनेस, ग्रेस्प, हेट्रेड, होप, इंटरेस्ट, लव, नीड, पार्टिसिपेशन, रीजन, रेस्पेक्ट, सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं. इनके साथ जो आपके फिक्स प्रपोजिशन मैंने लिखी है, ऑफ, फॉर, देख सकते हैं आप मोस्टली, हाँ यही है, ऑफ, फॉर है, तो यही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती हैं और यही आपको यूज भी करनी है. ये एक फिक्स मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और वो मीनिंग कभी चेंज नहीं होगी. अगर आपने ऑफ की जगह विद लगा दिया तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा. सो यही आपके एरर्स बन के आते हैं. कुछ आपके फिक्स नाउन होते हैं, उनके पास फिक्स प्रपोजिशन ऑलवेज कैरी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, एडजेक्टिव प्लस प्रपोजिशन. अब कुछ नाउन हमने डिस्कस करे, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी हैं जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन कैरी करते हैं. कौन कौन से वो एडजेक्टिव हैं? अफ्रेड ऑफ, एंग्री एट, अवेयर ऑफ, कैपेबल ऑफ, केयरलेस अबाउट, केयरलेस अबाउट समथिंग, फैमिलियर विद, ओके, फाउंड ऑफ, हैप्पी अबाउट, इंटरेस्टेड इन, जेलस ऑफ, मेड ऑफ, ओके, मैरिड टू, प्राउड ऑफ, सिमिलर टू, सॉरी फॉर, श्योर ऑफ एंड ट्राइड ऑफ एंड वरीड अबाउट. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफ, अबाउट, इन ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहा है. सो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं और इनके साथ ये फिक्स्ड प्रपोजिशन कैरी करते हैं. इनसे रिलेटेड ही आपके एग्जामिनेशन में एरर आती है. जैसे फाउंड ऑफ है तो दो आपकी प्रपोजिशन होती हैं, एक होती ओ डबल एफ वाला और एक होता है ऑफ. इसका मतलब होता है क्या? सेपरेशन. और इसका मतलब होता है आपका का की. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंड के साथ जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार एरर बनती वो क्या हो जाती, वो ये लिखा जाता है फाउंड ऑफ, जबकि ये रॉन्ग है. हमने क्या कहा है? फाउंड के साथ सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा. ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी, काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं ये. ओके, नेक्स्ट, वर्ब प्लस प्रपोजिशन. तो कुछ नाउन डिस्कस कर लिए, एडजेक्टिव डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं कुछ वर्ब जिनके साथ हम फिक्स प्रपोजिशन कैरी करते हैं. कौन कौन सी वर्ब हैं? फर्स्ट आपका अपोलाइज फॉर, आस्क अबाउट समथिंग, आस्क फॉर, बिलोंग टू, जिस चीज़ की कोई, किसी चीज़ की कोई चीज़ है तो दिस थिंग बिलोंग्स टू हिम, ब्रिंग अप, ऊपर लाना, केयर फॉर, चिंता करना, फाइंड आउट, खोजना, गिव अप, हार मानना, ग्रो अप, लुक फॉर, ढूंढना, लुक फॉरवर्ड टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके, इसके बाद क्या आता है? आपका जीरंड आता है टू के बाद. ऑल्दो आपका क्या आता है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आना चाहिए आपका, जीरंड यूज होगा, दैट इज वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आप नोट कर सकते हैं। मेकअप हो गया, पे के साथ फॉर आएगा, प्रिपेयर के साथ फॉर आएगा, स्टडी ऑफ, स्टडी फॉर, ओके, के लिए, स्टडी किस चीज के लिए कर रहे हो, स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी कर रहे हो, टॉक अबाउट, ओके, किसके बारे में बात कर रहे हो, थिंक अबाउट किसके बारे में सोच रहे हो, ट्रस्ट इन मी, ओके, मुझ में ट्रस्ट करो, वर्क फॉर, वरी अबाउट, ओके, सो ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनके अफिक्स प्रपोजिशन हम कैरी करते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर प्रपोजिशन, रूल्स फॉर प्रपोजिशन किस प्रपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स। सो रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा, रूल फर्स्ट क्या कहता है, टू इज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो टू है वो ऑलवेज फॉलो होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, वर्ब की पहली फॉर्म। मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस करा था टू प्लस ऑलवेज क्या होता है, वी वन होता है, ओके, टू प्लस क्या होता है, ऑलवेज वी वन होता है, ओके, बट विद द फॉलोइंग, टू प्लस वर्ब प्लस आई एन जी इज यूज, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ क्या होता है, टू प्लस वर्ब प्लस आई एन जी इज होती है, जैसे मैंने अभी कुछ देर बताया था लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा आपका, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वी वन आई एन जी आएगी, ठीक है। अगला आपका ओनिंग टू, ओइंग टू, सो ओइंग टू हो गया, गिवन टू हो गया, टेकन टू हो गया, डिवोट टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, ये भी है, कुछ देर पहले हमने डिस्कस करा था लुक फॉरवर्ड टू का कॉन्सेप्ट, ओके, सो इनके साथ क्या आएगा ऑलवेज आपका, वी वन प्लस आई एन जी, दैट इज जीरंड आएगा इनके साथ, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू हम यूज करते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट टू आ गया, ऑब्जेक्ट टू के साथ भी हम क्या करते हैं, वी वन प्लस आई एन जी यूज करते हैं, बी यूज टू के साथ भी वही करते हैं, अकस्टम टू के साथ, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, ओके, अडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इनके साथ ऑलवेज क्या आएगा आपका, वी वन प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन अ हॉलीडे, तो टू के बाद वी वन आता है, लेकिन यहाँ वी वन प्लस आई एन जी यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट फ्रेज यूज हुई है लुकिंग फॉरवर्ड टू। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम कंप्लीटली डिवोटेड टू मेकिंग पिनाकल द बेस्ट कोचिंग सेंटर इन इंडिया, ओके, सो यहाँ पे डिवोटेड टू फ्रेज, उसके बाद क्या आएगा आपका, वी वन प्लस आई एन जी, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट आपका रूल टू। सो रूल टू क्या कहता हमारा, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज इन एक्टिव वॉइस, डू नॉट यूज प्रपोजिशन विद देम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये और काफी क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, ओके। दो तरह की वर्ब होती है, आपको मैंने बताया होगा और पता भी होगा, एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है आपके इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑलवेज आपका ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी विदाउट ऑब्जेक्ट आती है, विदाउट ऑब्जेक्ट आती है, विदाउट ऑब्जेक्ट आती है, ओके। तो ये दो वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो मैरी, स्ट्रेस, एम्फसाइज, रेडिकुल, कंट्रोल, डिमांड, ऑर्डर, डिस्क्राइब, ऑर्डर इज रिपीटेड, टेल, अटैक, रिजेंबल, सक्सीड, इनवेड, एंटर, बिफॉल, जॉइन, एंटर का तो बहुत कॉमन एरर है, एंटर के साथ इंटू दे देता है जो रॉन्ग है, अफेक्ट, बोर्ड, इंश्योर, साइन, डायरेक्ट, एश्यू, स्ट्रेस, इन्वेस्टिगेट, अकंपनी, वॉलेट, एप्रिसिएट, कंसिडर, एम्फसाइज एंड कॉम्प्राइज, इन वर्ड के बाद ऑलवेज क्या आएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इनसे पहले क्या करना है आपको, इनके साथ क्या करना है, कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना है, प्रपोजिशन नहीं लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है राम मैरिड विद सीता, राम मैरिड विद सीता, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मैरिड आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ओके, एक्टिव वॉइस में जब भी सेंटेंस होगा तो उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना अगर ये वर्ड सारे प्रेजेंट होंगे। ये वर्ड ध्यान रखिए, नोट करिए। तो इनकरेक्ट है, द सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस सो रिमूव विथ। नेक्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका, राम मैरिड सीता। नेक्स्ट राम इज मैरिड टू सीता, राम इज मैरिड टू सीता, तो ये आपका क्या करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे इज आया और इसके बाद V3 आया है, तो मतलब ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का है तो हम प्रपोजिशन टू यूज कर सकते हैं विद मैरिड वर्ड। फोर्थ, ही साइंड ऑन द पेपर, उसने क्या करा, पेपर में साइन करा, ये आपका क्या इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि उसने पेपर में साइन करा तो सब्जेक्ट भी यही है, ऑब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने प्लेस में है। अगर होता द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, तो साइंड के बाद बी लगता वो करेक्ट था, बाय लगता वो करेक्ट था, क्योंकि वो पैसिव होता, ये एक्टिव में है, इसका ऑन लगा, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट होगा ही साइंड द पेपर, ये आपका करेक्ट होगा। ओके, ही साइंड द पेपर। सो इसी तरीके से आपको ये रूल्स देखने हैं। तो दो इंपॉर्टेंट रूल मैंने डिस्कस करें, और जो कंप्लीट बेसिक था प्रपोजिशंस का वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये कोर्स बेनिफिशियल लगा होगा। सिर्फ 5 पार्ट में मैंने कंप्लीट प्रपोजिशन टॉपिक करा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, सो गाइज, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, हमारे सोशल मीडिया प्रिपरेशन ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन करिए। ओके, फेसबुक पे जो ग्रुप है वो है आपका NMAT 2019 ऑल विंडोज प्रिपरेशन। ओके, 2053 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, फास्टली ग्रो कर रहा है हमारा ग्रुप, एंड आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हमारा ग्रुप और अच्छे से ग्रो कर सके। टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप चैनल डिस्कशन के लिए भी हमारे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड डेली कुछ भी कंडक्ट कराया जाता है, डेली कुछ भी कंडक्ट कराया जाता है। ओके, और जो विनर होता है उसके नेम अनाउंस किए जाते हैं सुबह द हिंदू एनालिसिस में। ओके, सो सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, एंड आई होप आप लोगों को ये बेनिफिशियल लग रहा हो कोर्स। सो रिक्वेस्ट आप सभी से, बस रेटिंग रिव्यू प्रोवाइड करिए इसी तरीके से, और साथ में बने रहिए। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड कोर्स को सेव करिए, ओके, शेयर करिए, एंड इसमें हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, 50 स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेसन से। ओके, सो गाइस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।